आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 के बारे में, जिसके ऊपर भाई बहुत सारी लीक्स निकल कर आई है। भाई प्लॉट लीक एंड बहुत सारी अपडेट एंड विलन्स एंड कास्ट को लेकर, यानी बहुत सारी अपडेट निकल कर आई है रिलीज डेट, इसलिए सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग सबसे पहली लीक निकल कर आई है भाई कि जो स्पाइडरमैन 4 होगी टॉम हॉलैंड की, वो एमसीयू के अंदर तो हो गई होगी, देन उसकी प्री प्रोडक्शन चालू हो चुकी है। देन सब कुछ होने के बाद, राइटिंग वाइटिंग होने के बाद, जो उसकी शूटिंग है वो 2023 में चालू होगी और मूवी का रिलीज डेट 2024 में होगा। देन भाई ये लीक निकल कर आई है भाई जो स्पाइडरमैन 4, 5, 6 यानी जो ट्रायलॉजी होगी टॉम हॉलैंड की, वो सेट होगी स्पाइडरमैन की PS4 की गेम की तरह, क्योंकि भाई लोग सेम जैसे उसमें आंट मे की डेथ हुई थी वैसे आंट मे की डेथ भी हो चुकी है, देन उसी की तरह होगी। और देन भाई इसलिए वैसे ही हमें विलन्स भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा लीक निकल कर आई है। देन भाई सबसे पहले मैं आपको कास्ट को लेकर बात करूँ, तो भाई इस मूवी में टॉम हॉलैंड, जंडाया, देन और भी जो कास्ट है नेड वगैरह के, वो लोग हमें रिटर्न देखने को मिलेंगे ही। देन जॉन वॉट्स एज डायरेक्टर भी रिटर्न देखने को मिलेंगे ही। देन भाई हमें विलन की बात करें तो भाई हमें इसके अंदर किंग पिन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, किंग पिन तो, क्योंकि वो अब हॉकाई के अंदर भी आ गए और PS4 गेम के अंदर भी किंग पिन था ही मेन विलन, तो भाई लोग उसके मेन दुश्मनी होने होगी स्पाइडरमैन से, इसीलिए भाई लोग। देन और भी विलन्स देखने को मिलेंगे, वैसे ही जैसे उसमें स्कॉर्पियन था वैसे ही हमें स्कॉर्पियन देखने को मिल सकता है मैक कार्कन का, ऐसा लीक निकल कर आई है प्लॉट को लेकर। देन स्कॉर्पियन देखने को मिल सकता है। देन भाई जो PS4 गेम के अंदर मिस्टर नेगेटिव को आवाज़ देते हैं भाई, वो एक्टर भी मिस्टर नेगेटिव को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनसे पूछा गया था तो उन्होंने हाँ कहा था कि हाँ वो कर सकते हैं। देन भाई और भी जो विलन्स हैं उनका नाम निकल रहा है, जैसे कि नेड का हॉबगॉब्लिन, देन और भी जैसे कि वेनम वगैरह। तो भाई लोग ये अपडेट निकल रही है कि स्पाइडरमैन 4 का जो पोस्ट क्रेडिट सीन होगा उसके अंदर हमें वेनम अपेयर होते दिख सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन 5 के अंदर जो ऐसा लीक निकल कर आई है कि फ्लैश थॉम्पसन से बॉन्ड होगा वेनम, जो भाई स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में छूट गया था, ऐसी लीक निकल कर आई है गाइज। देन भाई ये भी लीक निकल कर आई है भाई कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर ब्लैक कैट अपेयर होगी, जो प्ले करेगी एनिया टेलर जो। देन भाई और भी ऐसी लीक निकल कर आई है भाई कि पूरी PS4 की तरह होगी है, तो भाई लोग इसमें जो भाई अपना होगा इसमें 4 या 5 के किसी एंड में ऐसी भयंकर फाइट होगी, ऐसी लीक निकल कर आई है, ऐसी भयंकर फाइट होगी जिससे हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अच्छे से नहीं लड़ पाएगा। देन भाई लोग मल्टीवर्स का वो यूज़ करेगा, जी हाँ गाइस मल्टीवर्स का यूज़ करके हमें टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड रिटर्न देखने को मिलेंगे यार, लिटरली टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का हमें लीक देखने को मिली है, तो यार वो भी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है मल्टीवर्स से लेकर आए हमारा टॉम हॉलैंड, क्योंकि उन्हें तो जानता ही है, ऐसी लीक निकल कर आई है। देन गाइस स्पाइडरमैन 4 भाई जल्दी हमें देखने को मिलेगी, देन 4, 5, 6 सब आएगी, इसलिए भाई आप लोग तो भाई एक्साइटेड हो जाओ, 2024 में हमें देखने को मिल सकती है स्पाइडरमैन 4। देन जंडाया तो रिटर्न करेंगे। देन हो सकता है इसमें ये स्टोरी हो कि भाई हमारा पीटर पार्कर MJ से दूर नहीं रह पा रहा है, बट उसे करना पड़ेगा क्योंकि वो कॉमिक्स की तरह रहेगा, तो भाई वही देखने को हमें मिल सकता है। देन भाई ऐसे चांसेस ही हैं। तो चलो गाइस आज की ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन और पर सेट कर देना। तो हमने बात कर ली है स्पाइडरमैन 4 के बारे में। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।